हमें उतना भजन चाहिए कि मुझे लोग मौका दें, मुझे लोग मंच पर सुने। इसके लिए मैंने बीड़ा उठाया, एक संगठन का मैंने विस्तार किया, भरणीधर का, जो संगठन आज ग्वालियर चंबल पूरे मध्य प्रदेश में आप सभी लोग देख रहे हैं। शायद मुझे बोलना नहीं चाहिए, इतना बड़ा आयोजन भरणीधर संघ के अलावा किसी का नहीं होगा मध्य प्रदेश का, पूरे इंडिया के अंदर में। आप लोगों को व्हाट्सएप फेसबुक माध्यम से आपको इसके पूरे वीडियो मिल जाएंगे। खाली दिख रही है, इसको मत देखिए। लोग यहाँ बहुत थे, बहुत आए, समाज हमारी आई, ठीक है, किसी को काम है, किसी काम के चले गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो शहर का चल समारोह से लेके इस कार्यक्रम की व्यवस्थाओं से लेके जितना ये भव्य कार्यक्रम किया हुआ है, उसको हमें देखना चाहिए। आज हमारे बोलना नहीं चाहिए, आज हमारे मुख्य अतिथि माननीय शिवराज जी के बेटे कार्तिकेय चौहान थे। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कार्तिकेय चौहान थे। ये भव्य कार्यक्रम, चलो किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, स्वास्थ्य खराब, जो भी उनकी समस्या रही हो, या जो भी मान लो ये बस हवाला दिया गया पूर्व मुख्यमंत्री अपने बाबूलाल गौड़ जी का निधन हो गया, हम उस पर नहीं जाते हैं। हम इस पर जाते हैं कि मुख्य अतिथि कार्तिकेय सिंह चौहान होने के बाद, कैंसिल होने के बाद भी यहाँ पौड़ी में देखिए कितनी जनता आई, कितना भव्य तरीके से कार्यक्रम हुआ। ये हमारी समाज की जागरूकता है। अगर चाहे थी समाज तो सोचते हम तो मुख्य अतिथि नहीं आ रहा है, मुख्य अतिथि नहीं आ रहा है, हम क्या करेंगे जाके? ऐसा नहीं है, मुख्य अतिथि हम सब हैं, आप सब बैठे, आप सब भी मुख्य अतिथि हैं। ऐसा नहीं है कि जो मुख्य अतिथि आया है वही सब मुख्य अतिथि है, समाज का हर आदमी सम्माननीय है। आज उनको मौका आया तो वो आज मुख्य अतिथि बन के आ रहे हैं। ईश्वर कल हो सकता है आपको मौका दे और आप भी किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बन के जाओ और आप इस कार्यक्रम से बड़ा। क्या मैं जानता था, मैं तो इंडिया में सर्विस कर रहा हूँ, मैं जानता था कि मैं इस कार्यक्रम का संयोजक बनूंगा, मैं इस समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा, या मैं इस कार्यक्रम का भाषण दूंगा? मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। लेकिन ईश्वर, सच्चे मन से काम करोगे आप, सच्ची भावना से काम करोगे, समाज हित के लिए काम करोगे और समाज की चिंता करोगे, तो आपको जरूर मौका मिलेगा जो आज मुझे दिया गया है। ये भगवान बलराम का आशीर्वाद है। मैं सोचता था कि मुझे समय नहीं मिलता, मैं कैसे समाज सेवा करूं। मैं सोचता था बहुत कि मुझे समय तो है नहीं है, मैं खाली फोनों पर बात करूं या ग्वालियर में जाके बात करूं, एक दिन आऊं और चला जाऊं बोल के, मुझे समय नहीं था। भगवान बलराम को मैं नमन करता हूं हाथ जोड़ के, इन्होंने मुझे मौका दिया और 2015 में मुझे होम मिनिस्ट्री में मुझे नौकरी दी। होम मिनिस्ट्री में जब मैं गया तो मेरा 5 दिन का वीक है, 2 दिन मैं छुट्टी में रहता हूँ, शनिवार इतवार में। आप सारे जानते हैं ग्वालियर वालों, पूछ लेना आप, शनिवार इतवार मेरा ग्वालियर और मुरैना निकलता है, समाज के बीच निकलता है, समाज की मीटिंगों में निकलता है। क्या भैया मुझे ही अकेले को जरूरत है इस चीज की? समाज को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो हर युवा को, हर जिम्मेदार आदमी को ये कदम उठाना पड़ेगा, तब जाके हम समाज को बड़ा कर सकते हैं। खाली भाषण देने से हम, या हम कभी बड़ी बड़ी बातें करने से अगर हम समाज को आगे बढ़ा लिया तो समाज तो फिर घर पर बैठ कर बढ़ जाएगी। हमें ग्राउंड में आना पड़ेगा। कहते हैं ना फौज में कि 0-डिग्री पर भी हम लोग जो है जम्मू कश्मीर में खड़े रहते हैं। क्यों खड़े रहते हैं? कि ये बल है। सियाचिन में लोग जो है 2 महीने के लिए जाते हैं, ठंड से हाथ सड़ जाते हैं, ये उंगलियाँ काम नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी लोग वहाँ जाते हैं। क्यों जाते हैं? तो भारत माँ की रक्षा करना है। तो जब भारत माँ की रक्षा के लिए वहाँ लोग खड़े हुए हैं तो समाज की रक्षा के लिए आपको भी मेरे नौजवान साथियों आगे आना होगा। अगर आपके अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं, बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि नेतृत्व सिर्फ हम ही लोग कर सकते हैं यहाँ बैठे हुए, नेतृत्व करने के लिए बहुत सारे युवा हैं, लेकिन उनको सही जगह, सही प्लेटफॉर्म, सही समय नहीं मिल पा रहा है। और मैं प्रयास करूंगा ज्यादा नहीं तो ग्वालियर चंबल पौड़ी संभाग में ऐसे ऐसे युवा पैदा करेंगे अपन, जो ऐसे ऐसे आयोजन जो साल में एक नहीं हर 3 महीने में एक हो गए, हर 3 महीने में। मैंने दिल्ली में रहते हुए, दिल्ली में खराब समाज अपनी बहुत है लेकिन कोई आगे नहीं आया। मैंने 2018 8 अप्रैल को, यहाँ बहुत सारे मेरे साथी गवाह होंगे, मैंने दिल्ली NCR में कार्यक्रम किया था, जहाँ हमारे मुख्य अतिथि हमारे आरके मेहता सर थे, लेकिन उनकी शादी का बच्चे का शादी था, कैसे कुछ था नहीं, तो हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय हमारे राम कुमार मेहता जी थे, लेकिन वो नहीं आ पाए। चलो उनके घर में शादी थी तो डॉक्टर गुलाब सिंह जी पहुंचे थे जो मुख्य अतिथि रहे उस कार्यक्रम के। मैंने बीड़ा उठाया कि वही इससे हटके कुछ काम करें, हाथरस में बोलते थे कि यार समाज नहीं मानती है, समाज अपना सेंगर है वो। मैंने बीड़ा उठाया
तो यकीन नहीं करोगे, 2 दिसंबर को हाथरस की जमीन पे 5,000 आदमी का मैंने कार्यक्रम तैयार समाज का कराया। जो पहला कार्यक्रम था, जो हाथरस के लोग यहाँ आए थे, जिला पंचायत जो 8 लोग आए थे, उनके बीच में मैंने पहला कार्यक्रम तैयार समाज का कराया था। तो जब मैं दिल्ली में रहके, मैं अपना ये मान के चलना आप पूरा समय सर्विस में दे रहा हूँ, कुछ ही दिन में जो 2 दिन मिलता है, मान लो कभी नहीं मिलता है, जब मैं इतना कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? हम खाली राजनीति या हम अपने उसके लिए स्वार्थ की कोई चीज न करें। मैं समझता हूँ जिस समाज में जन्म लिए हैं उस समाज का हम पर कर्जा है, उस कर्जे को पटाने का हर आदमी का फर्ज है। अगर कर्जा को नहीं पटाते हैं तो हम उसके जो है कर्जदार हो सके उस समाज के अपनी के। इसीलिए मेरी शायद है कि मेरी बातों से किसी को अगर लग रहा हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मेरा उद्देश्य गलत नहीं है। मैं जो बात बोल रहा हूँ अपनी दिल की भावना बोल रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ, मेरे पास बड़ा पद नहीं है, और अगर जिस दिन बड़ा पद हो गया ना, इस समाज की काया पलट दूंगा। मेरे युवा साथियों, आप इस जोश को कम मत होने देना। मैं आपसे वादा करता हूं, आपका जोश, आपका जुनून, आपकी मेहनत बेकार नहीं होगी, बेकार नहीं होगी। आपके अंदर में से ही हम नेता निकालेंगे, हम अच्छे समाज सेवी निकालेंगे, हम अच्छे रोजगार करने वाले निकालेंगे, अच्छे बिजनेसमैन निकालेंगे, लेकिन हम निकालेंगे, ठीक है? ज्यादा मैं समझ लिया। और आज मैं चाहूंगा कि यहां हमारे जो जिला अध्यक्ष सुनील धाकड़ जी रणनीतिक समिति के, और जो पूरी टीम जिसने रात भर मेहनत करके इतना काम किया, वो टीम मंच पे आए, उस टीम का हमारे सारे विशेष अतिथि एक साथ मिलकर स्वागत करें, ताकि युवाओं का जो है आगे और मन बढ़ेगा, आगे बढ़े, इससे भी बड़ा कार्यक्रम होगा। जो मैंने समय ज्यादा ले लिया है, इतनी बात को मैं कहते हुए क्षमा चाहता हूँ अगर मैंने कुछ बोल दिया हो, सभी से मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, अतिथियों से क्षमा चाहता हूँ, अगर मैंने कुछ बोला हो, किसी की भावना ठेस पहुंची हो, तो मैं आप लोगों का तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान समाज।